Good morning, students. Good morning, students. This is your maths class. I am your maths teacher. Today, we will continue the words problem of chapter 6. Okay? जल्दी से बेटा आप लोग live classes में आ जाइए ताकि जो भी मैं words problem कराऊं आपको clear हो जाए और अच्छे से कर सकें. Okay? ठीक है. First of all, good morning all of you. ठीक है, बेटा आपका जो आपने जो प्रीवियस चैप्टर में सब आपने जंक सेलर्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, जो कि जंक सेलर्स अगर आपको याद है, कुछ आपने दोबारा उसको रीड किया हो, वीडियोस देखा हो, तो व्हाट इज जंक सेलर, जो कबाड़ी वाली विक्रेता, जो कबाड़ से रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस करते हैं लेने देने के, वो क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे. बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज फिर दोबारा उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम्स को करेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था. मैं अभी एक क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आपको उसे सॉल्व करके आप देखेंगे. जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ रेट लिस्ट लिखी हुई है, रेट लिस्ट. ठीक है, रेट लिस्ट में काइंड ऑफ जंक्स है, काइंड ऑफ जंक है, और यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ 1 kg. ठीक है, ये है आपका काइंड ऑफ जंक्स, जितने भी आपके वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, और इनका जो रेट है यानी पर केजी का जो रेट है वो इस सेक्शन में लिखा हुआ है. जैसे जैसे फर्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपका जो रुपीज है वो 6 rupees पर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड आयरन, ये इसका जो प्राइस है ₹14. नेक्स्ट आपका ब्रास है, जो है आपका ₹180 पर केजी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ है आपका प्लास्टिक, ये है आपका ₹12 पर केजी. ओके, फिफ्थ है आपका वेस्ट पेपर, ठीक है, ये आपका जो प्राइस है इसपे 4, 6 rupees, 10 rupees पर केजी. ये आपको कुछ जंक्स के कुछ रेट लिस्ट लिखा हुआ है. ठीक है, अब आपको जो फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 kg न्यूज पेपर. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 kg ब्रास. ठीक है, अभी आप इन्हीं दो क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे इसके बाद हम करने के बाद करेंगे. जैसे कि हमारे इन क्वेश्चंस में बेटा आपको दिख रहा है ये रेट लिस्ट है, इस रेट लिस्ट में हमारे पास 5 things हैं, यानी आपका न्यूज़पेपर है, आयरन है, ब्रास है, प्लास्टिक है और वेस्ट पेपर है. इनका प्राइस जो है वो प्राइस ऑफ 1 kg. तो ये जितने भी प्राइस आपको दे रखे हैं ये 1 kg का प्राइस है. अभी तक जो आप डिस्कस करते थे क्वेश्चन, या हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था, आपको वर्ड्स प्रॉब्लम वर्ड्स में लिखा जाता था कि फाइंड कि 1 kg जो भी है आपके, बस जैसे न्यूज़पेपर है इसका रेट दिस एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतने केजी. तो अब जो आपके
जो क्वेश्चंस हैं इसमें 1 kg का प्राइस आपको गिवन है। जैसे न्यूज़पेपर का प्राइस 1 kg का कितना है? 6 rupees। आयरन का 1 kg का प्राइस कितना है? 14 rupees। सेम ब्रास कितना है? ₹180। नेक्स्ट प्लास्टिक कितना है? 12 rupees। एंड वेस्ट पेपर इज 10 rupees। तो अब इन्हीं आपको वे आपको रेट लिस्ट को देखते हुए आपको इन क्वेश्चंस के, अभी मैंने आपको 2 questions लिखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर इस रेट लिस्ट को देखते हुए आंसर करना है। चलिए हम आंसर फर्स्ट करते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 kg न्यूज़पेपर। आपको 16 kg न्यूज़पेपर का रेट निकालना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस हमारे रेट लिस्ट में न्यूज़पेपर कहाँ है। दिस इज अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का लिस्ट देखते हैं हम, 1 kg का प्राइस कितना है? 6 rupees। तो आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 6 rupees। सो रुपीज 6। क्लियर? नेक्स्ट हमें कितने का फाइंड आउट करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 kg। तो आप यहां क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 16 kg न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, सो 6 × 16। हमारा प्राइस कितना आया? 96। इट मीन्स 16 kg न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 96। चलिए अब हम सेकंड का आंसर करते हैं। सेम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 kg ब्रास। अब आप इस रेट लिस्ट में देखेंगे हमारा ब्रास कहाँ पर है। हमने यहाँ देखा हमारा थर्ड पर क्या है, ब्रास का रेट लिस्ट है। तो ब्रास इज अ 1 kg मीन्स 180 rupees। 1 kg ब्रास की जो प्राइस है वो कितना है? 180। सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 kg ब्रास इज इक्वल टू रुपीज 180। क्लियर? सो आपको कितने kg ब्रास का कॉस्ट निकालनी है? 100 kg। सो आप इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ब्रास इज इक्वल टू रुपीज का साइन आप आगे करेंगे, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 180 × 100। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जीरो है पहले आप उसे काउंट करके नीचे लिख देंगे। सो रुपीज 1, 2, 3, ठीक है। और इस 18 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे। 18 × 1 = 18। तो हमारा 100 kg, तब आपका 100 kg जो ब्रास का जो प्राइस होगा वो 18,000 होगा। तो इस तरीके से आप इस प्राइस लिस्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लिस्ट को देखते उसे भी हम ऐसे ही आंसर करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन थर्ड जो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक। 63 kg प्लास्टिक, ओके? तो अब इनको इस क्वेश्चन का भी हम आंसर किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि प्लास्टिक हमारा किस क्या प्राइस क्या है। प्लास्टिक आपका 1 kg कितने रुपए का है? 12 rupees। सेम
cost of 1 kg plastic is equal to rupees 12. Clear? So आपको कितने का price find out करना है? 63. आप इसी को लिखेंगे cost of 63 kg plastic is equal to क्या करेंगे आप rupees 12 multiply 63. ओके okay? अब आप इसको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे इसे 3 2 6 3 2 6 6 2 12 3 1 3 6 1 6 6 5 7. क्लियर? सो हमारा आंसर कितना आया रुपीज 756 रुपीज. ये हमारा क्या होगा? दिस इज आवर आंसर. ओके, तो 63 केजी प्लास्टिक की जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 756. तो इस तरीके से आप इन रेट लिस्ट को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे. इज इट क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहूं, अगर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 90 kg वेस्ट पेपर. क्लियर? अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको कॉस्ट निकालना है कितने केजी वेस्ट पेपर, 90 kg. सेम पहले तो आप इसमें देखिए कि हमारा जो रेट लिस्ट है इसमें हमारा जो वेस्ट पेपर है उसके 1 kg का रेट कितना है, हमने देखा कितना आया 110 rupees. सो इसी को ही आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. आंसर कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर इज इक्वल टू रुपीज 10. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 90 kg वेस्ट पेपर इज इक्वल टू रुपीज, क्या करेंगे हम इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 kg की. सो आंसर इज रुपीज 900. सो आंसर कितना होगा हमारा 900 इसके हो गए. तो इस तरीके से हम इस रेट लिस्ट को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. अब ये रेट लिस्ट इस तरीके से भी हुआ हो सकती है, जैसे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड ऑफ चंक्स प्राइस पर केजी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब मैं इन जो आपने इससे पहले क्वेश्चंस किए थे इसी को ही आप दोबारा करेंगे. जैसे सपोज आपका न्यूज़पेपर है, अब आप मुझे इसका आंसर खुद देंगे. न्यूज़पेपर सपोज कितना है आपका 12 रुपीस पर केजी. नेक्स्ट आपका प्लास्टिक है,
ये आपका 25 रुपीस पर केजी। नेक्स्ट है आपका आयरन 120 रुपीस पर केजी। ओके, ये तीन थिंग्स हैं। अभी जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन करे थे बिल्कुल बेटा वैसे ही सेम है। अब आप मुझे इसका आंसर करके दिखाएंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस के अब आप मुझे आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 19 केजी न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। ओके, तो आप मुझे इसका आंसर करके मुझे बताएंगे कितना आंसर है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इस पूरे सेक्शन में पहले हम क्या देखेंगे कि न्यूज़पेपर जो हमारा 1 केजी न्यूज़पेपर का रेट रेट लिस्ट में देखेंगे कितना है। जैसे आपका कितना है 12 रुपीस, तो क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 12 रुपीज 12। सेम हमें कितने की निकालनी है 19 केजी, सो कॉस्ट ऑफ 19 केजी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू ₹12 multiply 19। ओके, अब हम दोनों इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा हमारा 9 2 जा 18 1 9 1 जा 9 और 1 10, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 8 2 2, आंसर इज ₹228। सो कॉस्ट ऑफ 19 केजी न्यूज़पेपर इज ₹228। नेक्स्ट, आपको आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड कॉस्ट ऑफ 200 केजी आयरन। ठीक है, आंसर अब आपको कितने का आपको आयरन का निकालना है 200 केजी। सबसे पहले हम इस रेट लिस्ट में देखेंगे जो हमारा आयरन है वो कितने रुपीज है, 120 रुपीज। तो सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी आयरन इज इक्वल टू 120 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 200 केजी आयरन इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम ₹120 मल्टीप्लाई कितना है आपका 200। सो पहले आप जीरो काउंट करके लिखेंगे 30 और 12 2 जा 24। इस तरीके से जो आयरन की जो कॉस्ट होगी वो हमारा 24,000 होगी। तो इस तरीके से आप इनवर्स प्रॉब्लम को इस रेट लिस्ट होने के बाद भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप सबसे पहले इस रेट लिस्ट को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि जिसका हमसे प्राइस पूछा गया है उसका पर केजी प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, और इस तरीके से हम इनके आंसर।
बेटा मैं एक चीज और बता दूं, ये प्राइस लिस्ट और आप कहाँ देखते हैं? ये तो न्यूज़पेपर प्लास्टिक और आयरन जंक्स की बातें करिए। अगर आपको अगर ध्यान होगा तो ये लिस्ट जब आप किसी शॉप्स पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको ऑलरेडी सारी लिस्ट सामने होती है, और इसी तरीके से लिस्ट बनी होती है, शुगर की हुई या दाल लेनी है, दाल की आपकी प्राइस लिखा होता है, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं उन पे सारा मेन्यू आप पहले ही सारा आपको प्राइस लिस्ट जो है ऑलरेडी आपको गिवन होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे बार बार उसको आपको बता आप देख लेते हैं कि हमारा 1 kg जो प्राइस है, जो भी हम सामान ले रहे हैं उसका 1 kg का रेट कितना होगा। इसी तरीके से ये प्राइस लिस्ट और आप कहाँ देखते हैं? ये प्राइस लिस्ट आप होटल वगैरह में जब हम लंच के लिए, डिनर के लिए, एक्स्ट्रा कोई भी फंक्शन के लिए हम करते हैं, या तब हम जब मेन्यू हमारे सामने आता है तो आप ध्यान से अगर देखा हो तो ये मेन्यू भी इस प्राइस लिस्ट की तरह ही होता है। जैसे आपको कुछ भी खाना है, ब्रेड पकोड़े खाने हैं, चाय लेनी है, तो वो सारे इसी प्राइस लिस्ट की तरह ही आपको उस मेन्यू बुक में सारा शो करके दिया जाता है। आप उसमें अपने जो भी आइटम आपके होते हैं खाने के, आप उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद वो सामने आपके प्राइस भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्राइस लिस्ट के क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि इनमें ही आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको हर जगह, हर किसी शॉप पे, ये सब जगह आपको पर केजी का आपको लिस्ट दिया होगा, या आप जो भी फूड आइटम ले रहे हैं तो फूड का आइटम आपको प्राइस लिस्ट के थ्रू शो किया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इनको देख के अपने आइटम्स को और अपने इस जंक्स के जो क्वेश्चंस आपने किए हैं ये आप कर सकते हैं। बेटा आज जो आपने समझा है इसको घर जाके ट्राई करना, ट्राई करके इसको समझना और उसके बाद मेरे को आंसर करना। ओके, थैंक यू।